हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं स्वैप डाउन और लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन के बारे में, जैसे कि हम इस सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग पर जाना है तो क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और नोटिफिकेशन स्टेटस बार पे जाना है। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है मोर सेटिंग, इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पे आपको नहीं मिलता है और यहाँ पे भी आपको नहीं मिलता है, तो क्या कर सकते हैं, एक और तरीका बताता हूँ। सबसे पहले सेटिंग पे जाएंगे, सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। ये देखिए, स्वाइप डाउन अनलॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद राइट साइड से हम इसे ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, तो इसे भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। डू नोट शो करना चाहते हैं तो डू नोट शो कर सकते हैं, और अलाउ करना चाहते हैं अलाउ कर सकते हैं, और ऑफ़ करना चाहते हैं तो ऑफ़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बारे में और भी सेटिंग्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन स्टेटस बार पे जाएंगे, दोबारा से स्टेटस बार पे जाएंगे, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। तो राइट साइड से हम इसे ऑन कर देंगे और आपका यहाँ पर रियल टाइम नेटवर्क स्पीड शो हो जाएगा। और आपके इसके लिए वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए या फिर नेट ऑन होना चाहिए। इस तरीके से आप इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।